हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल कंप्लीट चैप्टर नंबर 11, द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चीकॉव। हेयर प्रपोजल मींस टू प्रपोज फॉर अ मैरिज, टू प्रपोज फॉर मैरिज। व्हेन अ बॉय प्रपोज टू अ गर्ल फॉर मैरिज, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। Let us see the main characters of the story. This is a very humorous play, funny play. What are the main characters in this story? First of all, we shall see the name of boy and girl. Lomov is the name of boy. His age is 35 years old. He is still bachelor. And the name of girl is Natalia. Age of 25 years, and father of Natalia is Shubukov. Shubukov is the father of Natalia. These are the main three characters around whom the whole story revolves around. Now we shall see the story, how the story starts. In the beginning, Lomov enters in the house of Natalia in fancy clothes to propose her, to seek her hand, and he meets Natalia's father Shubukov. Natalia ke father ko jo hai wo milta hai, and Shubukov becomes very happy to see Lomov at their house. वो लोमोव को देख कर जो है बड़ा खुश होता है कि जो लोमोव है उनके घर में आया है. लेकिन उनके मन में क्या था कि he might have come here to take some money और टू टेक सम हेल्प, शायद वो पैसे लेने के लिए आया है. तो मन ही मन में तो वो लोमो को डिसलाइक करता है, बट ऑन द फेस ही वॉज प्रेजिंग हिम, ही वॉज सेइंग हिम वेरी हैंडसम लुकिंग स्मार्ट इन द गुड ड्रेस. एंड फर्दर ही आस्क हिम द रीज़न व्हाई ही केम हियर, ही आस्क हिम द रीज़न of his arrival. Then Lomo replies that he has come here to propose Natalia. वो Natalia को propose करने के लिए आया है. At this Shubukov, इस बात पे जो Shubukov है, He became very happy and he hugs Lomov. Lomov को बड़ा hug करता है, like करता है, and he asks Lomov to repeat that good statement. कहता वो जो बात तुमने कही वो दोबारा सुनाओ मुझे, कि मुझे बहुत अच्छी लगी है कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो. देन ही सेज हिम, फिर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो है वेट करो और मैं अपनी बेटी को बुलाकर लाता हूँ. ही डिड नॉट टेल Natalia
प्रपोजल ऑफ लोमोव। शुभको अपनी बेटी नतल्या को लोमोव के प्रपोजल के बारे में नहीं बताता, बल्कि वो उसको क्या कहता है कि आउटसाइड वन मर्चेंट हैज़ कम टू टेक हिज गुड्स। यार शुभको इज़ वेरी नोटी कि बाहर एक व्यापारी आया है अपना सामान लेने के लिए, माल लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, चीज़ लेने के लिए आया है। तो मर्चेंट तो कोई नहीं है, तो हु इज़ आउटसाइड? लोमोव। और क्या लेने आया है वो? नतल्या का हाथ मांगने के लिए आया है। बट शुभकोव उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है? ए मर्चेंट हैज़ कम टू टेक हिज गुड्स एंड दिस। नतल्या गोज़ आउट टू सी द मर्चेंट, बट व्हेन शी गोज़ आउट शी सॉ दैट देर वॉज नो एनी मर्चेंट बट देर वॉज अ लोमोव। शी वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज टू सी लोमोव एंड शी ऑल्सो आस्ट हिम द रीज़न ऑफ वियरिंग फैंसी ड्रेस। इतनी अच्छी ड्रेस डाल के कहाँ जा रहा था वो, उसके कारण पूछती है। तो शी वेलकम्स हिम विद गुड हार्ट, उसका वेलकम करती है फॉर अराइविंग देयर होम्स। नेक्स्ट इज व्हेन लोमो वॉज वेटिंग फॉर नतल्याज अराइवल। जब लोमो नतल्या के अराइवल का वेट कर रहा था, लोमोज वेटिंग फॉर नतल्याज अराइवल, व्हेन ही वॉज वेटिंग फॉर नतल्याज अराइवल, तो ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, नर्वसनेस फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी नर्वस एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट द हिज लाइफ स्टाइल एंड आफ्टर मैरिज स्टाइल व्हाट विल हैपन। एक्चुअली लोमो वॉज सफरिंग फ्रॉम पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस क्या होती है? हार्ट बीटिंग। उसकी जो हार्ट, दिल की धड़कन है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है एंड ही बिकम्स नर्वस, और वो नर्वस हो जाता है। तो ही वॉज थिंकिंग दैट नाउ ही इज़ एट द एज ऑफ 35 एंड शी इज़ ऑफ 25। दिस इज़ द एज, वेरी क्रिटिकल एज, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एज। ही मस्ट गेट मैरीज नाउ। अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। और तो और वो सोचता है कि इससे पहले, वो सोचता है कि नतल्या के आने से पहले, कि उसको जो रात को सोने की स्टाइल है, हिज स्लीपिंग स्टाइल, ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट दैट। ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट हिज स्लीपिंग स्टाइल। वट इज स्लीपिंग स्टाइल? कहते वैन ही गोज इन टू बेड। अपने आप के बारे में सोच रहा है वो, कि जब वो सोने जाता है तो समथिंग ही गेट्स ए पुल इन हिज लेफ्ट शोल्डर। अपने जो लेग से जो है वो एक पुल आता है फ्रॉम द लेफ्ट लेग, लेफ्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू शोल्डर, पूरी उसकी बॉडी में जो है वो एक पुल, खिंचाव आता है। एंड ही जंप्स अप, एंड ही जंप्स अप फ्रॉम द बेड। और जैसे ही वो बेड पे जाता है सोने के लिए, तो जैसे वो सोता है तो उसकी बॉडी में एक जर्क पुल, खिंचाव आता है और एकदम से वो खड़ा हो जाता है। देन अगेन व्हेन ही ट्राइज टू गो स्लीप, अगेन वन पुल, अगेन ही स्टैंड, अगेन वन पुल, अगेन ही स्टैंड। वो कहता है कि इस तरह का पुल जो है, नॉट ओनली वन टाइम, लगभग 20 टाइम्स, 20 बार जो है, 20-30 बार जो है मुझे वो पुल आता है। एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। सेकेंड, ही वॉज वरीड अबाउट हिज स्लीपिंग स्टाइल। सेकेंड, ही फॉरगेट्स, वो ये भी भूल जाता है दैट ही हैज़ लॉक्ड द गेट और नॉट। ही हैज़ लॉक्ड द गेट और नॉट, क्या उसने वो जो दरवाज़ा बंद कर दिया है या नहीं किया है। तो उसको भी चेक करने के लिए बार बार वो जाता है।
लेकिन उसके मन में फिर भी डाउट रहता है कि उसने बंद किया है या नहीं किया है। तो ये लोमो सोच रहा था, और इतने में नतल्या की एंट्री होती है। तो इन कन्फ्यूज़न, इन नर्वसनेस के अंदर, इन प्लेस ऑफ प्रपोजिंग, प्रपोजल की बजाय ही स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑक्सन मीडोज लैंड। वो एक ज़मीन की बात करने लग जाता है। वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है जब नतल्या उसके पास आकर बैठती है, उसको कहती है कि व्हाट इज़ द ओकेजन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर अराइवल हेयर। तो वो प्रपोजल की बजाय, उसकी ऑफर करने की बजाय, अपनी एक ऑक्सन मीडोज़ जो लैंड हैं उसके बारे में बात करने लग जाता है। तो कहते हैं कि हमारा रिलेशन तुम्हारे परिवार के साथ काफ़ी अच्छा है, एंड हिज ऑक्सन मीडोज़ आर नियर बाई योर लैंड। तो जैसे ही वो लोमो कहता है कि हिज ऑक्सन मीडोज़, जैसे ही वो वर्ड कहता है हिज ऑक्सन मीडोज़, तो इस पे नतल्या को ऑब्जेक्शन होता है। वो कहती है नॉट योर्स, ऑक्सन मीडोज वर देयर्स, ऑक्सन मीडो जो लैंड हैं वो उनके हैं ना कि तुम्हारे। तो इन पे दोनों की जो है वो हॉट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, दोनों को जो है हॉट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है कि वो उनकी लैंड नहीं है। नतल्या सेज दैट ऑक्सन मीडोज उनके हैं, एंड लोमो स्टार्ट सेइंग दैट ऑक्सन मीडोज उनके। अब देखने वाली बात है कि वो किस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट गिवन बाय लोमो, लोमो क्या कहता है कि हिज आंट्स ग्रैंड मदर, हिज आंट्स ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड मदर ने ये जो लैंड है फ्री यूज के लिए, और फ्री यूज़ के लिए किसको दी थी? नतल्यास ग्रैंड ग्रैंड फादर। लोमो कहता है कि उसकी जो आंट्स की ग्रैंड मदर ने ये लैंड ऑक्सन मीडोज फ्री यूज़ के लिए नतल्या के ग्रैंड ग्रैंड फादर को 40 ईयर्स के लिए दी थी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के लिए ग्रैंड ग्रैंड फादर के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको ये लैंड दी थी। पीजेंट्स क्या होता है? किसान। तो उनको ये लैंड दी थी, और वो जो हैं ग्रैंड फादर जो फ्री यूज़ 40 सालों से यूज़ कर रहे थे, अब इस ज़मीन को यूज़ करके ये समझने लग गए हैं कि ये जो लैंड है इट इज़ देयर्स, ये लैंड उनकी है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिस लैंड बिलोंग्स टू देम, ये लैंड उनकी है ना कि नतल्या के फार्मर्स की। तो इसके बाद नतल्या आर्ग्यूमेंट देती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ नतल्या। शादी की बात भूल जाते हैं, ऑक्सन मीडोज पे आ जाते हैं। वो कहती है आर्ग्यूमेंट नतल्या का कहती है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, जो उनके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देयर लैंड एक्सटेंडेड, उनकी जो लैंड थी एक्सटेंडेड हो गई थी, कहाँ से? बर्चवुड से। देयर लैंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बर्चवुड टू बर्नट मार्श। उनकी लैंड जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो गई थी? बर्नट मार्श तक। देयर लैंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बर्चवुड टू बर्नट मार्श, यहाँ तक लैंड उनकी एक्सटेंड हो गई थी। और ऑक्सन मीडोज कहाँ आता है? वो इन दोनों के बीच में पड़ता है, पहले बर्चवुड, फिर ऑक्सन मीडोज और ब्रंट मार्श। नतल्या सेज दैट कि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, एविडेंस के अकॉर्डिंग, उनकी लैंड जो है वो एक्सटेंड हो गई है बर्चवुड से लेकर ब्रंट मार्श तक। तो इसका मतलब ऑक्सन मीडोज उन प्लॉट्स के बीच में आता है। तो इट मीन्स व्हाट? कि वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो किन के हैं? हमारे हैं ना कि तुम्हारे। तो ये आर्ग्यूमेंट कौन देती है? नतल्या देती है। बट लोमो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है।
और इतने में जो है वो एंट्री किसकी होती है, शुभु को की। नतल्या काफ़ी हॉट आर्गुमेंट है, एक दूसरे को अब्यूजिंग करते हैं, लैंड ग्रैबर बोलती है उसको, ये लैंड ग्रैबर है। लैंड शुभु को भी कहता है कि यू आर नॉट ए गुड नेबर, तुम अच्छे पड़ोसी नहीं हो, यू आर ए लैंड ग्रैबर, तुम लैंड ग्रैबर हो, ज़मीन हड़पने वाले हो। और नतल्या उसको कहती है कि लैंड्स वैल्यूज नॉट मोर देन 300 रूबल्स, लैंड की कीमत जो है वो 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है। और लोमो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, आई वन गिव यू ए गिफ्ट। और नतल्या भी कहती है कि लैंड हमारी है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकती हूँ। तो नतल्या भी कहती है कि यू कैन गिव मी गिफ्ट, हमारी ही ज़मीन को हमें तुम कैसे गिफ्ट दे सकते हो, इट इज़ नॉट फेयर लोमो, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक ए गुड नेबर। तो उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और शुभकोव जो है वो लोमो को घर से बाहर निकाल देते हैं। शुभकोव सेज हिम टू गेट आउट, शुभकोव सेज हिम टू गेट आउट फ्रॉम देयर हाउस, गेट आउट फ्रॉम देयर हाउस, उसके घर से वो निकल जाए। और नतल्या वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री ऑन द ओड बिहेवियर ऑफ लोमो, वो कहते कि ये हमारा एहसान मंद नहीं है, हमने इसकी इतनी मदद की, लास्ट टाइम इसको फसल काटती थी तो हमने अपनी जो थ्रेशिंग मशीन है इसको हमने यूज़ के लिए दी थी, लेकिन हमने इसकी फसल बाद में काटी थी, लेकिन इसने उसका एहसान भी नहीं माना। तो जब वो लोमो वहाँ से चला जाता है, उसकी हार्ट बीट होने लग जाती है, तेज़ हो जाती है, तो जब वो वहाँ से निकल जाता है तो शुभकोव एक्सपोजेस लोमोज पर्पस। शुभकोव अपनी बेटी को लोमोज के पर्पस के बारे में बताता है, और पर्पस क्या था प्रपोजल, कि वो प्रपोज करने के लिए आया था। अब जब नतल्या को पता चलता है कि लोमो केम हेयर इन देयर हाउस फॉर ए प्रपोजल टू प्रपोज हर, तो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि शी वांट्स लोमो एज सून एज पॉसिबल, उसे लोमो इमीडिएटली चाहिए, वो मुझे प्रपोज करने आया था, मुझे आपने बताया नहीं। तो एक्चुअली नतल्या जो है वो लाइक करती है किसे, लोमो को। नतल्या लाइक्स लोमो बाय हार्ट, वो उसे दिल से चाहती है। तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे तो लोमो ही चाहिए। तो शुभ को उसको प्रॉमिस करता है कि ओके, तो शुभ को गोज टू गेट हिम बैक, शुभको गोज़ टू गेट हिम बैक, उसे वापस लेकर आता है। और जब वापस आ जाता है तो नतल्या बिकम्स वेरी हैप्पी, नतल्या बड़ी खुश है, एंड शी वांट्स टू लिसन हिज प्रपोजल टुवर्ड्स हर, वो अपना प्रपोजल के बारे में सुनना चाहती है कि लोमो मुझसे कहे आई लव यू, और लोमो मुझसे मेरे पापा से मेरा हाथ मांगे। लेकिन जब लोमो आ जाता है तो लोमो अगेन टॉक्स अबाउट ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के बारे में बात करता है। नतल्या कहती है ओके ठीक है, वो लैंड तुम्हारे हैं, आई डू एग्री कि दोज ऑक्सन मीडोज वर लोमो, वो तुम्हारे हैं हमारे नहीं हैं। वाई हैव यू कम हेयर, प्लीज़ एक्सप्लेन योर पर्पज़ ऑफ विजिटिंग अवर हाउस, मतलब वो चाहती है कि अब उसी को वो प्रपोज करे। लेकिन जो लोमो है गेट्स एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाता है, नर्वस हो जाता है प्रपोज करने के लिए, और फिर वो डबल्ड अप हो जाता है, मिक्सअप अपने वर्ड्स को मिक्सअप कन्फ्यूज़ कर जाता है,
और वो डॉग्स की बात करने लग जाता है। देयर इज इशू स्टार्ट्स ऑफ डॉग्स, डॉग्स के बारे में बात करता है वो। लोमो कहता है कि हिज डॉग गेस, ये नाम याद रखना है, हिज डॉग गेस इज बेटर देन स्क्वीजर। स्क्वीजर इज द डॉग ऑफ नतल्या। वो कहता है कि जो मेरा कुत्ता है गैस, वो तुम्हारे स्क्वीज़र से ज़्यादा बढ़िया है, वो तुम्हारे स्क्वीज़र से ज़्यादा बढ़िया है। आप इन दो इस डॉग के इशू पर उन दोनों में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। दे बोथ स्टार्टेड हॉट आर्गुमेंट्स ऑन द इशू ऑफ डॉग्स। लोमो सेज दैट द डॉग गैस इज़ अ ग्रेट हंटर, वो अच्छा शिकारी है, इज गुड इन रेस। एंड नतालिया सेज दैट नो, आवर स्क्वीज़र इज बेटर बेस्ट देन योर गेस। अब इतने में शुभुकोव की एंट्री होती है, इतने में एंट्री होती है शुभुकोव की। शुभुकोव ऑल्सो सेज दैट, शुभुकोव भी यही कहता है कि शुभुकोव ऑल्सो एग्रीज विद हर डॉटर अबाउट डॉग्स। वो कहता है कि नहीं, हमारा जो स्क्वीज़र है वो तुम्हारे डॉग से ज़्यादा बढ़िया है। तो इस पे फिर वो एक दूसरे को गालियाँ निकालने लग जाते हैं, एब्यूजिंग स्टार्ट हो जाती है। और लोमो उसको ओल्ड रैट कहता है कि तुम बूढ़ा चूहा है, यू आर ओल्ड रैट, तुम ओल्ड रैट हो। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड एब्यूजिंग अबाउट नतल्याज मदर, ग्रैंड मदर, फादर, उन सब के बारे में जो है एब्यूजिंग करनी वो स्टार्ट कर देता है। और शुभ को भी जो है वो लोमस की जो फैमिली के बारे में जो है वो बातें करने लग जाता है। वो उसकी आंट के रिलेशन के बारे में बताता है कि हर इज आंट जो है रैन अवे, वो भाग गई थी। तो इस तरीके से वो काफ़ी एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं। और एक बार फिर जो लोमो है उसकी तबीयत बिगड़ती है, हालत बिगड़ती है, बिकॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट पाल्पिटेशंस, हार्ट उस पाल्पिटेशंस, उसको हार्ट पाल्पिटेशन, उसकी जो हार्ट बीट जो है वो तेज़ बढ़ जाती है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। एंड ही फेल इन द आर्म चेयर, और वो ही फेल इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर पे वो गिर जाता है। एंड ही सेज दैट ही वॉज लुकिंग स्टार्स, उसे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, उसको तारे नज़र आ रहे हैं, सिर चक्कर खा रहा है। लेकिन लोमो नतल्या एंड शुभकोव जो हैं दोनों ही गुस्से में, इन एंगर दे वर स्कोल्डिंग लोमो वेरी बैडली। इतने में क्या होता है कि जब लोमो गिर जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश हो जाता है, देन नतल्या स्टार्टेड क्राइंग, नतल्या जो है वो रोने लग जाती है। नतल्या स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाती है। और शुभकोव ऑल्सो गेट नर्वस, शुभ को भी घबरा जाता है कि वो लोमो गिर गया है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो शुभ को जो है ही वांट्स टू कट हिज थ्रॉट, वो अपना गला काटना चाहता है। ही वांट्स टू शूट हिमसेल्फ, वो अपने आप को मारना चाहता है। कि व्हाट ए बर्डन, वो कहते हैं कि व्हाट ए बर्डन, व्हाट ए बर्डन टू बी फादर ऑफ ए डॉटर, फादर ऑफ ए डॉटर, एक लड़की का बाप होना कितना बोझ वाला काम है, उसके सिर पे एक बोझ है। तो वो उसको पानी पिलाता है, लेकिन उसको पानी पीने से होश नहीं आता, थोड़ा बहुत वो सेंसेस में आता है बाद में। तो एज सुन एज लोमो, जैसे ही लोमो केम बैक इन हिज सेंसेस, केम बैक इन हिज सेंसेस, कैसे ही अपनी सेंसेस में आया, होश में आया, तो शुभकोव रेडी है उन दोनों की शादी करवाने के लिए। तो वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये दोनों आपस में शादी कर लें। शुभकोव अभी भी डोगोली बात कर रहा है, लेकिन
लोमो जो है अभी भी डोग वाली बात कर रहा है, लेकिन जो शुभुको है, शुभुको नतल्याज फादर सेज हिम दैट नतल्या इज रेडी टू मैरी हिम। नतल्या इज रेडी टू मैरी हिम, नतल्या उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो अपनी डॉटर नतल्या का हैंड लोमो के हैंड में देता है और अपनी ब्लेसिंग, उन्हें आशीर्वाद देता है, एंड सेज देम दैट दे शुड किस ईच अदर। रशियन मैरिज है, दे शुड किस ईच अदर एंड गिव देम ब्लेसिंग्स, और उनको अपना आशीर्वाद देता है कि नाउ यू आर गेटिंग मैरिड, तुम शादी कर लो, एक दूसरे को किस करो। तो दे बोथ हैंड इन हैंड किस ईच अदर एंड दे गेट मैरिड। और शुभ को जो है हैप्पीनेस के अंदर खुश होता है कि यस, मेरे सिर से जो है वो बोझ हट गया। एंड इन दिस एन्जॉयमेंट, इन द एन्जॉयमेंट और जॉय ही सेलिब्रेट्स, ही पिक्स अप द बॉटल एंड स्टार्ट शैम्पेन। और वो बहुत खुश होता है और ही गिव्स हिज ब्लेसिंग्स अपने बेटा, अपनी बेटी नतल्या और अपने जो लोमो है, दोनों को आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है। एंड हियर द चैप्टर एंड्स, एंड लोमो एंड नतल्या वांट्स टू स्टार्ट देयर लाइफ, अपनी लाइफ को जो है फिर से अच्छे ढंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोमो का जो गियर अभी भी स्क्वीज़र डॉग पे अड़ा हुआ है। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द प्ले, एंड ऑफ द प्ले द प्रपोजल। सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड गर्ल, लोमो एंड नतल्या, एंड बिटवीन देम देर विल बी हॉट आर्ग्यूमेंट्स। उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं किसके किस चीज़ को लेकर। एक तो ऑक्सन मीडोज, मेन स्टोरी में दो ही बातें हैं, एक तो ऑक्सन मीडोज, ये आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। लोमो का आर्ग्यूमेंट, लोमो ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, और ऑक्सन मीडोज को लेकर नतल्या ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, एंड व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ शुभकॉव। सेकंड जो इसके अंदर इशू आया है वो डॉग को लेकर आया है। डॉग, लोमो सेज दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर, कि उसका कुत्ता जो गैस है वो बेटर है किससे, स्क्वीजर से। तो इनकी डिटेल आप अपने टेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली दे फाइनली गॉट मैरिड, और लास्ट में उनकी शादी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द प्रपोजल। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी, आपको समझ आ गई होगी। If you face any problem, you should discuss with me. Thank you. Have a nice day.